संदीप मुखर्जी चैनल पे सभी दर्शकों को बहुत बधाई हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। तो इस हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग देखेंगे SIMA A1 का जो नया अपडेट आया है, बहुत दिन के इस्तेमाल के बाद उसमें क्या क्या आया है, फास्ट चार्जिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें मिल गया है और भी बहुत सारा अपडेट मिला है, उसी के लिए वीडियो बनाया है। कुछ देर टैप करके रहने के बाद होम सेटिंग में देखिए, अगर मैं देखता हूँ यहाँ आता है ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन, ही पहले था डिस्प्ले गूगल ऐप, ये भी पहले था अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, ये पहले किसी किसी फ़ोन में ऑन होता था, किसी किसी फ़ोन में ऑन नहीं होता था। और सजेशन ये भी नया दिया गया है, और डॉट ये भी, ये डॉट जो था ये बिल नंबर को 7 बार प्रेस करने के बाद जो डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है उससे उसमें जाके उसको ऑन किया जाता था, तो अभी ये सब इसी में दे दिया है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद क्या है। देखिए इसके बाद नोटिफिकेशन जो है इसमें बहुत सारा ऐड किया गया है, इसका थीम देखिए, थीम जैसे रहेगा उसका हिसाब से कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें और एक चीज़ ऐड हुआ है, ग्रे स्केल, इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो देखिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो गया, ग्रे स्केल। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा देर बैटरी ज़्यादा चलता है, उसको भी मैं आगे जाके दिखाऊंगा। तो ग्रे स्केल को अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। जो भी था इससे एक चीज़ पहले डेवलपर ऑप्शन में था, अभी उसको ऑन करके दिया गया है। तो फिर देखते हैं क्या है, आप देख लेते हैं डुअल वोल्टेज, इस फोन में डुअल वोल्टेज ऑन हो गया है। इसको मैं पहले सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाके देखता हूँ, तो नेटवर्क में है, पहला है मोबाइल नेटवर्क, जियो जियो, दोनों ही जियो है। इसमें आप लोग देख लीजिए दोनों में क्या है, 4G एनेबल है, इसमें भी 4G है, इसमें भी 4G है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ किया है कि दोनों सिम को डुअल वोल्टेज कर दिया, जो किसी को नहीं पता था 625 में डुअल वोल्टेज है या नहीं है। उसके बाद हम दिखाते हैं वाईफाई, जो हॉटस्पॉट है, वाईफाई हॉटस्पॉट में देखिए सिक्योरिटी अगर आप देते हैं तो हॉटस्पॉट पासवर्ड तो आ जाता है, इसको ही सभी को पता है। लेकिन देखिए अभी है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट, टर्न ऑफ हॉटस्पॉट में लिखा है ऑटोमेटिकली, अगर आपका फ़ोन किसी वाईफाई को नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे फ़ोन में अगर वाईफाई नहीं मिल रहा है तो फ़ोन अपने आप हॉटस्पॉट को ऑफ कर देगा। और बैंड में देखिए दोनों बैंड है, 2.4 GHz एंड 5.0, तो जिसको सूटेबल होता है, अगर आपके पास डिवाइस है जो 5.0 GHz को सपोर्ट करता है तो उसमें आप इस बैंड को इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये गया नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। उसका बाद आता है बहुत सर्दी ठंड लग गई है, इसलिए आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ। तो इसके बाद आ गया है देखिए बैटरी, सभी को अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि बैटरी ज़्यादा नहीं जा रही है, लेकिन कुछ सेटिंग्स अगर आप कर लेते हैं ठीक से तो बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मेरा पहला दिन जो बैटरी था सिर्फ 2 घंटा गया था, लेकिन आज मेरा बैटरी
देखिए यहाँ पर लिखा भी रहेगा बहुत देर तक चलता है। किस तरह से चलता है? पहला बात जो है, एडाप्टिव बैटरी, इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने से ही बैटरी बहुत देर चलेगी, ये थिंकिंग गलत है। क्योंकि देखिए नेटवर्क में एक तो सेटिंग है, मोबाइल डाटा, जियो का जो मोबाइल डाटा है, इसको अगर दोनों मोबाइल में ही है, दोनों जियो का सिम में है, मान लीजिए आपका जियो सिम जो डाटा है वो एक नंबर में आप चला रहे हैं, लेकिन दो नंबर भी आप ऑन कर दिए, तो क्या होगा? अगर आप एक नंबर को बंद कर देते हो तो दो नंबर नहीं चलेगा, दो नंबर डाटा नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सिम सेटिंग में जाके, ये जो सिम सेटिंग है, सिम सेटिंग में जाके सेट करना पड़ता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये मोबाइल डाटा ऑन रह के बैटरी को खाते रहेगा, इसलिए बैटरी ड्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको ऑफ कर दीजिएगा, फिर देखना आप लोग बैटरी कैसे इंक्रीज होता है। उसके बाद हम दिखाएंगे थीम, डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में देखिए क्या क्या है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस लेवल तो है, नाइट लाइट, नाइट लाइट क्या है, वो जो डिम हो जाता है पीला रंग का, पीला कलर का, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ये जो है ना नाइट लाइट ऑन एट सनसेट, इसको सेटिंग करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एडाप्टिव ब्राइटनेस ये तो पता ही है, अपने से हो जाता है, और एडवांस में ये सारा फीचर्स दिया है, एम्बिएंट डिस्प्ले भी है, और इसमें है डिवाइस थीम। इसमें देखिए तीन ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, लाइट एंड डार्क। आप लोग लाइट करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा, आप लोग अगर डार्क करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। यही था इसका डिस्प्ले का जो चेंजिंग सेटिंग है वो। उसका बाद आते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी जो है उसमें देखिए दो ठो सेटिंग नया आया है, एक तो है रिमूव एनिमेशन, आप लोग जो इसको प्रेस करते हैं जो एनिमेशन आता है वो आना बंद हो जाएगा, और दो है ड्यूअल टाइमिंग, और उसका बाद देखिए यहाँ पर है एक ठो हाई कॉन्ट्रेस्ट कैप्शन, ही तो पहले ही था, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक्सेसिबिलिटी मेनू, इसको अगर गेस्चर में जाके ऑन करते हो तो काम में आएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ। जो सिस्टम में जाके गेस्चर है, गेस्चर में होम बटन का अगर ऑन करते हो, ये जो ये वाला जो ऑप्शन है ये आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो सभी जितने भी वीडियो बनाए हैं सभी में अच्छा से दिखाया गया है, तो इसको लेकर टाइम पास नहीं करेंगे। इसका बाद आते हैं डिजिटल वेवलेंथ। इसमें आप कौन सा समय में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादा, उसको यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। इसको आप बेड टाइम में शेड्यूल कर सकते हो, और डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ से ऑन कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी देख लेते हो यहाँ से, और यहाँ कुछ नहीं है, और साउंड में इतना सारा कुछ चेंज थोड़ा सा है। साउंड देख लो, साउंड में डायल पर चार्जिंग साउंड अभी ऑन हो गया है, ये पहले ऑन नहीं था,
चार्जिंग साउंड पहले दिखाता था, लेकिन इसमें चार्ज देने के समय साउंड नहीं आता था। अभी ऑन हो गया है। हेडफोन का जो इफ़ेक्ट है, देखिए ऊपर में हेडफोन का एक तो आइकॉन आया हुआ है, एकदम 7.1 में आता था, उसका बाद पूरा बंद हो गया, फिर 9.0 में फिर से चालू हो गया। आप MI साउंड एनहांसर को अगर ऑन कर देते हो तो इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है जिसको आपका सूटेबल लगे अपने ईयरफोन के हिसाब से सेटिंग कर लेना। और इसमें जो नया ऐड किया गया है, देखिए यहाँ पर है गूगल लेंस। गूगल लेंस को ऐड किया गया है, जो गूगल लेंस है इसको ऐड किया गया है, ठीक है। गूगल लेंस कैमरा होल्ड पाई, और फाइल्स गो इसको ऐड किया गया है इन बिल्ड एकदम। इसमें सारे क्लीन होता है, ब्राउज़र में सब कुछ दिखाएगा, शेयर में आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं बस। और जो नया है FM रेडियो, जो FM रेडियो है वो इसमें चलता है। यहाँ पर देखिए तीनों मैंने सेट किया है, बिग रेड कोलकाता का, तीनों ही चलता है। तो ये एक तो नया चीज़ है। तो लैपटॉप के साथ कनेक्शन करने के बाद देखिए बहुत सारा ऑप्शन ऑन हो गया है, ये भी एक नया चीज़ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।